का एक परिदृश्य है। एक बालक को गुरु पूछ रहे हैं कि बताओ पुत्र तुम्हारे माँ पिता का नाम। तो उसने कहा मुझे मेरी माता का नाम पता है, मेरे पिता को मैंने देखा नहीं। तो उन्होंने कहा अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछ के आना। तो उस बालक ने अपनी माता से पूछा, माता मेरे पिता कौन है, मैंने उनको कभी देखा नहीं। तो माता ने कहा कि तुमने मुझ में देखा है, माँ को भी पिता को भी। तो उसने कहा हाँ देखा है, पर मेरे गुरुदेव ने पूछा है। तो उसकी माता ने कहा कि पुत्र मैं बहुत लोगों के घरों में उनकी सेवा के लिए जाती हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि तू किसका प्रसाद है। तो वो जब गुरुकुल में गया, बहुत सारे विद्यार्थियों से भरा हुआ था कक्ष, तो बीच में खड़ा होके कहता है, गुरुदेव मेरी माँ ने कहा है मैं ही तेरी माता हूँ, मैं ही तेरा पिता हूँ, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैं मेरे पिता कौन है। तो जब ये सुना तो गुरु उठकर खड़े हो गए। हम कल्पना कर सकते हैं, हमें लगता होगा कि उन्होंने गालियां दी होंगी, अपमान किया होगा, निकाल दिया होगा, लेकिन उन्होंने अपनी भुजाएं फैला दी और कहा आओ आओ सत्यकाम जावाल, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। इतने कटु सत्य को भरी सभा में स्वीकार करने वाला तो भविष्य का गौरव बनेगा भारत का। और ऐसे उन्होंने भुजाओं में बांध के उसको सत्यकाम के नाम से घोषित किया। आप सोचिए, विचार कीजिए, इतनी उदार दृष्टि रखने वाला भारत कैसे एक छोटे बच्चे के ऊपर नजायज अवैध होने का लेबल लगा के उसके लिए एक अलग अनाथ आश्रम की व्यवस्था करके एक बहुत सारी बड़ी संख्या में अपराधियों को तैयार करने में करोड़ों रुपया खर्च कर सकता है, जिसे प्यार मिलना चाहिए, समर्थन मिलना चाहिए। और इसमें स्पष्टता होनी चाहिए कि संबंध वैध होते हैं पर संतान तो सनातन की ही होती है। उसको अगर सहमति के अच्छे वातावरण में बड़ा किया जाए तो वो भी देश का एक जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। इस दृष्टि से मैंने विचार किया कि जो समाज की मुख्य धारा से अलग किए गए लोग हैं, हमें उन पर काम करना चाहिए। तो उसी दृष्टि से वात्सल्य अपनी भूमिका निभा रहा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से भारत हिंदू राष्ट्र है। अगर आप पूरे विश्व को झांक के देखेंगे तो सबकी अपनी एक धरा, एक पहचान, एक मान्यता, एक परंपरा, संस्कृति, जीने का तौर तरीका। हम भारतवंशी हैं, हमारे तीन ही कुल है, सूर्य वंश, चंद्र वंश और ऋषि वंश। इसलिए यहाँ चाहे कोई संप्रदाय, चाहे किसी भी तरह के पंथ का अनुयायी हो, पर वो भारतवंशी ही है। इस बात में स्पष्टता होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र इस दृष्टि से कि पूरा संसार अपनी एक जड़ मान्यता का शिकार है। लोग किसी भी दूसरे की पूजा पद्धति को, तौर तरीकों को बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ तक कि बहुत दिखाई देता है आपको कि वो बड़े उदार लोग हैं, लेकिन वो रंग देख के भी भेद करते हैं। तो पूजा पद्धति की तो बात बहुत दूर की बात है, पर भारत भूमि भारत वंशियों की ऐसी है, हिंदुओं की ऐसी है, जहाँ पे किसी भी तरह की विचारधारा को पनपने का, पोषित होने का अवसर दिया गया। और आज भी हिंदू समाज के हृदय में ये उदारता है कि आप अपनी तरह अपनी ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हिंदू राष्ट्र को घोषित करना जरूरी है कि आप भौतिकवाद और आतंकवाद की मार से बचना है तो भारतीय विचार के साथ जीना होगा। एक नन्ही चींटी के जीवन में और ब्रह्मा जी के जीवन में हम कोई फर्क नहीं मानते, उसमें हम एक ही चेतना का दर्शन करने वाले लोग हैं। इसलिए ये स्वाभाविक रूप से हिंदू राष्ट्र है। और जिस दिन इस देश के अंदर मजहब के नाम पर भारत के टुकड़े कर दिए गए थे, विभाजन हो गया था, तो उसी दिन निश्चित हो गया था कि जो बाकी बची भूमि है वो हमारी हिंदू राष्ट्र ही है। लेकिन क्योंकि हिंदू धर्म निरपेक्षता का भी समर्थन करता है, और यद्यपि वो भाव खत्म हो चुका है, धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष राजनीतिक व्यवस्था होती है, लेकिन इस भूमि पर राम जाति भारतवंशियों की
हिंदुओं की भूमि है, स्वाभाविक रूप से ये हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए ये कोई विवाद का विषय भी नहीं है और कोई अपवाद का विषय भी नहीं है। और जिस सेकुलरिज्म की चिंता तथाकथित हिंदू समाज ही बड़ी बौद्धिक स्तर पे जीने वाले हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि इस देश में हिंदू जब तक बहुसंख्यक है तभी तक आपकी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता भी बची हुई है। अगर उस संख्या में असंतुलन आता है तो इस व्यवस्था में भी संकट आने वाला है। इसलिए ये जो विषय आ रहे हैं संतों के द्वारा, मैं इसको बहुत शुभ मानती हूँ। समाज को जागृत होना चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र का अर्थ किसी को भयभीत होना, किसी को यहाँ से हटा देना। मैंने आपसे कहा सूर्यवंश, चंद्रवंश और ऋषि वंश, ये तीन वंश हैं भारत वंशियों के। जो भी आज यहाँ हैं, चाहे उन्होंने पद्धति जीवन की जीने की या पूजा की बदल दी हो, वो उनका मूल वही है। इसलिए अपने मूल से जुड़े और भारत के इस उदार विचार को सुरक्षित रखें, ताकि यहाँ जो भी इधर उधर से मार खाया हुआ आए उसे भारत भूमि की सघन आंचल की शीतल छाया मिले। बहुत सारे मामले में तो राजनीतिक मंशाएं होती हैं, और बहुत सारे देखिए मुकदमे होंगे, जेलें होंगी, और ये तो कष्ट झेलने पड़ते हैं। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन की आग में से गुजरे हुए हम लोग हैं। बहुत साधना न व्यर्थ कभी जाती, चल कर ही मंजिल मिल पाती। बाधाएं आती हैं, लेकिन जो सत्य है उसे सबको स्वीकार करना चाहिए। राजनीति मनसे की अपने बात की, धारा 144 लागू की जाती है हनुमान जयंती के मौके पर कि भगवान ही पहरे जाएंगे और इस तरह की नारे नहीं लगाएंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जब भी प्रशासन के ऊपर जो दबाव होता है वो किस कौन दबाव बनाता है, आप या तो कोई भी वात्सल्य गंगा एक प्रवाह है जिसमें हम सबको जो समाज की मुख्य धारा से अलग हो गए हैं उनको समेट के मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि छोटी संतानें या युवा बहनें या वृद्ध उपेक्षा के पात्र नहीं होने चाहिए, वो प्यार पाना चाहिए उनको। तो प्यार कौन देगा? तो हम एक अकेली स्त्री को एक अकेले बच्चे से मिलाते हैं ताकि दो अधूरे एक दूसरे के पूरक बन जाए। एक लोरी देने को तरस रहा है, एक लोरी पाने को तरस रहा है, तो ये हमारा भाव संबंधों का संसार बनाने का अभियान है। और फिर वात्सल्य ग्राम के ही अंदर वैसे तो 17 सेवा प्रकल्प चलते हैं, लेकिन एक सर्व मंगला पीठम का निर्माण किया जा रहा है जिसमें 4 युगों का निर्माण हो रहा है। उसमें नारी की, मानवी की जो भूमिका भारत को बनाने में रही है, ऐसी कुछ नारियों को चुना है, और वो एक ऐसा बहुत महत्वाकांक्षी प्रकल्प है जो मुझे लगता है कि जैसे शुद्ध वायु, शुद्ध जल, इसको बचाने की बात आती है, इसी तरह धर्म का शुद्ध स्वरूप ये भी समाज के सामने आए, उस दृष्टि से सर्वमंगला पीठम का निर्माण हो रहा है। 150 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, काफ़ी कुछ बन गया है, 2-3 वर्ष और लगेंगे। इसी बात को लेकर हम उदयपुर में वात्सल्य सेवा समिति के अपने साथियों के बीच में चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। पिछले कुछ समय से लगातार जो है उदयपुर को उनके देखिए अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बातें राज जब चुनाव के दिन होते हैं तब ये और ज़्यादा उभर कर आ जाती है। ये देश में सौमनस्यता, सहजता है, सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और बड़े सहज हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हल्ला थोड़े दिन मचता है और जब राजनीति की रोटियाँ सेकनी होती हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कहती हूँ कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राजनीति पहले होती थी ऐसा कि व्यक्ति अपनी बात नहीं करता था, वो अपने गुट की बात करता था, क्योंकि गुट तो राजनीति में भी होते हैं। तो अब उसको अपने गुट की भी परवाह नहीं, अब उसको अपनी अपने आप की परवाह है। तो जब इतनी स्वार्थपरता हो जाती है तो फिर इस तरह के चीज़ों को उछाला जाता है। मुझे लगता है ये उचित नहीं है, क्योंकि भारत बहुत ऐसा समाज है। आपने देखा वो पानी का जहाज जितना बाहर दिखता है उससे ज़्यादा वो पानी के भीतर होता है, इतनी गहराई के साथ। अभी भारत को लेके कितनी प्रेडिक्शन हुई थी कि कोरोना में करोड़ों हम खत्म हो जाएंगे, कुछ हुआ? हाँ, कुछ हमें कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन हर विपत्ति के बाद भी हम अपना धैर्य बना के रखते हैं। इस देश के अंदर सौमनस्यता होनी चाहिए,
बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज अब अपमान झेलने को तैयार नहीं है, वो मुखर होके अपनी बात व्यक्त करने लग गया, इसलिए सबको तकलीफ हो रही है। पहले दर्द अंदर था, अब वो वाणी में आ रहा है। लेकिन बात ये है ना कि दर्द को दबाना नहीं चाहिए, दर्द का इलाज करना चाहिए। सारे समाज में सौमनस्यता का हामी यानी उसकी गारंटी हिंदू समाज लेता है, पर हिंदू समाज की आस्था का उपहास हो, अब इसके लिए वो तैयार नहीं है, इसीलिए लग रहा है बड़ी हलचल मची है। कौन करेगा, नियति ने सब निश्चित किया है, लेकिन सत संकल्प हृदय में रखना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे कहा कि हिंदू राष्ट्र कभी घोषित होगा नहीं, मैंने कहा ये देश स्वाभाविक रूप से हिंदू राष्ट्र है।